So, Mr. Vivek Srivastava. Yes, sir. Tell me about you and your city. सर मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है सर मैंने अपना सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदरवाइज ओके सर मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय उमरापुर तालुक से की है इसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट श्री साइंट्रो कॉलेज बाराबंकी से किया है साथ में मेरा ग्रेजुएशन सर लखनऊ विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में और सर मेरी हॉबीज़ डायरी राइटिंग और गुल्ली डंडा हैं सर सर जहाँ तक मेरे शहर बाराबंकी की बात है सर बाराबंकी मुख्यतः तीन चीज़ों के लिए फेमस है जिसमें सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोधेश्वर महादेव मंदिर फेमस है दूसरा सर हम देखते हैं किंतूर में पारिजात वृक्ष फेमस है और तीसरा सर उत्तर प्रदेश का जो कौमी एकता स्थल है देवा शरीफ सर वो बाराबंकी में स्थित है और वहाँ पर हाजी वारी शरीफ शाह जी की दरगाह है सर यस सर यस सर उनका साप्तांग सिद्धांत जानते हैं सर साप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य जी ने बताया कि सर किसी राज्य में सात चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें सर राजा अमात्य कोष दंड सर अभी मैं चार ही चीज़ें रिकॉल कर पा रहा हूँ सर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सर ओके अच्छा सामाजिक समझौता सिद्धांत यस सर उसमें रूसो का जो कॉन्सेप्ट है वो सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो रूसो ने दी है अपनी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सर उसके अंतर्गत उन्होंने ये माना कि समाज में एक अव्यवस्था थी उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए और साथ ही समाज के विकास के लिए लोगों ने आपस में मिलकर समझौता किया और उसके अंतर्गत एक राजा या फिर एक जो भी शासन का प्रमुख होगा उसका निर्माण किया सर सर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है सर ये तो लॉक्स भी कहते हैं या हॉब्स भी कहते हैं तो रूसो क्या अलग कह लिया सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा रिपब्लिक यस सर सर रिपब्लिक को हम साधारण शब्दों में समझें तो गणतंत्र के अंतर्गत जो हेड ऑफ स्टेट होता है राज्य अध्यक्ष वो सर जनता के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर निर्वाचित होता है सर सो इंडिया डेमोक्रेसी है रिपब्लिक है या दोनों है सर इंडिया दोनों है सर और यूके सर यूके केवल सर रिपब्लिक है क्योंकि वहाँ पर जो महारानी या फिर महाराजा होते हैं वो सर वंशानुगत होते हैं ना कि सर निर्वाचित होते हैं सर रिपब्लिक हो गया नहीं सर वो केवल लोकतंत्र है वहाँ पे ब्रिटेन में केवल वहाँ गणतंत्र नहीं है सर हिस्ट्री में आपकी कौन सी रही है मॉडर्न मेडिवल या फिर सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न यस सर ओके आप डीके कर्वे के बारे में जानते हैं जी सर डीके कर्वे यस सर सर डी के कार्वे ने मुख्यतः सर महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है और सर मुंबई महाराष्ट्र में वर्तमान में महाराष्ट्र और तत्कालीन मुंबई में उन्होंने SNDT जो महिला स्कूल के संदर्भ में उन्होंने सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके साथ साथ उन्होंने विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए पंडिता रमाबाई के साथ मिलकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें पुणे में जो शारदा सदन की स्थापना थी उसमें दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था सर अम्बेडकर का जो कोर है जो उनकी थॉट का यस सर वो गांधी से कैसे अलग था सर महात्मा गांधी और अम्बेडकर की जब हम तुलना करते हैं उसमें सर मुख्यतः हम तीन चीज़ों में उन दोनों के विचारधाराओं में अंतर कर सकते हैं पहला महात्मा गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था को एक प्रतियोगिता विहीन और जो एक श्रम विभाजन है आम व्यक्तियों के मध्य उसको महत्वपूर्ण मांगते हैं जबकि वर्णाश्रम व्यवस्था को अंबेडकर जी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं सर दूसरा जहां तक हम देखते हैं कि अंबेडकर जी जो सामाजिक बदलाव की बात करते हैं वो कानूनी माध्यम से एवं राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना के माध्यम से मानते हैं जहाँ और महात्मा गांधी की बात करें तो वो लोगों में एक स्वाभाविक परिवर्तन की बात करते हैं यस सर